हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर इन सिविल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि वे बीम के रेनफोर्समेंट को कैसे रीड करते हैं, उसमें कितने सरिया लगे हैं कितने नहीं। यह हमारे पास फ्रेमिंग प्लान में से हम कोई से भी एक बीम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस बीम के हम बीम शेड्यूल में से उसकी रेनफोर्समेंट डिटेल को रीड करेंगे। मान लो ये हम ये बीम लेते हैं B1 की लेंथ इसी फ्रेमिंग प्लान से पता लग जाएगी। ये हमारा B1 की ग्रिड चेक करेंगे। ये हमारा B1 की ग्रेड है हमारी 3250 हमारी इधर से इधर है, तो हमारा ये कॉलम है, कॉलम के मिड से जा रहा है और हमारा कॉलम कितना है 200 का, तो ये हाफ हो जाएगा, तो 100 इधर से कट हो जाएगा, 100 इधर से, तो हमारा 100 और 100 200 कट करेंगे। 3250 में से हम अगर 200 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3050। तो हमारी लेंथ पता चल गई इस चीज़ की कि बीम की लेंथ हमारी 3050 mm। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकालते हैं हम बीम शेड्यूल। ये हमारे पास बीम, ठीक है फ्रेंड्स, B1 का साइज दिया हमारा 200 बाई 450 का। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। ये हमारे टॉप मेन बार, जो है हमारे दो बार लगे टॉप मेन में 16 डाई के, ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या दो बार लगे हमारे 16 डाई के टॉप एक्स्ट्रा। ये हमारे टॉप एक्स्ट्रा जिसकी लेंथ, ये तो हो जाएगी हमारी LD, और LD के कॉलम से ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 900 mm। ठीक है फ्रेंड्स, इधर ही ऐसे है कॉलम से 900 mm तक ये आगे गया होगा टॉप एक्स्ट्रा बार, दो टॉप एक्स्ट्रा बार हमारे 16 डाई के, और दो बार हमारे 16 डाई के मेन बार जो पूरा थ्रू आउट पूरा गया। ऐसे हमारे बॉटम बार, ये हमारे दो बार्स हैं 16 डाई के मेन बॉटम मेन बार, और ये हमारे दो बार 12 डाई के बॉटम एक्स्ट्रा बार, जो कि हमारे कितना है कॉलम से 900 mm तक आगे निकले हुए हैं इधर भी और इधर भी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा ये सी क्या है, सी हमारी है स्पेसिंग, भाई इसमें कितने की स्पेसिंग आएगी ये हमको उसमें स्टीरप्स को में पता चलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंड्स स्टीरप शेड्यूल, जहाँ पे हमारा ए लिखा हुआ है मार्क डाई, वहाँ पे आएगा 8 डाई का 2 लेग स्टीरप्स एट द रेट 100 सेंटर टू सेंटर। जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे आएगा 8 डाई के 2 लेग स्टीरप्स एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, और वहाँ पे हमारा B1 ने क्या था मार्क्सी था उधर, तो हम उधर क्या डालेंगे 10 डाई का 2 लेग स्टीरप एट द रेट 100 सेंटर टू सेंटर, उसकी स्पेसिंग डालेंगे। जैसे ये हमारा सी हो गया। अभी जैसे मैं इसमें दिखा दूँ आपको, ये हमारा A B A, तो इसमें हमारा अलग अलग स्पेसिंग आएगी, इतने में अलग स्पेसिंग, बी की जितनी है हमारी इतनी इसमें अलग स्पेसिंग, और ए में इतनी अलग स्पेसिंग। ये था आज का हमारा बीम का क्यों कैसे पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो स्क्रीन पर दिख रहे चैनल लोगों पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।